तो भाई लोग, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान की और राजकुमार हिरानी की। दोस्तों आप सोच रहे होंगे, भाई मैं इन दोनों के बीच की बात क्यों कर रहा हूं जब कोई इनको दोनों की कोई फिल्म नहीं आ रही। दोस्तों सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें बताई जा रही है कि भाई राजकुमार हिरानी के साथ शाहरुख खान फिर से कोलैब करने वाले हैं। भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो तंगी के बाद शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी होने वाली है दोस्तों। मतलब राजकुमार हिरानी के साथ जो नेक्स्ट मूवी होने वाली है दोस्तों, वो मूवी दोस्तों आने वाले राजकुमार हिरानी की। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले कितने सच है कितने झूठे में बात करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल ना सपोर्ट करें। भाई साहब दोस्तों आप सबको तो पता है कि शाहरुख खान की 2023 के अंदर तीन मूवी आई थी, पठान, जवान, डंकी, और तीनों मूवी ने दोस्तों बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया। दोस्तों ये बात सच है कि भाई डंकी मूवी ने पठान और जवान की तरह बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं करी थी, लेकिन दोस्तों भाई इसने दोस्तों ऐसी कमाई कर दी थी जो कि भाई सामने वाली फिल्म जो सालार है वो भी हिल गई थी। भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो गाइस अब अपडेट निकल के सामने आ रही है कि भाई राजकुमार हिरानी फिर से कोलैब करने जा रहे हैं शाहरुख खान के साथ। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो गाइस अब अपडेट निकल के सामने आ रही है कि भाई शाहरुख खान और समंथा रुथ प्रभु दोस्तों ये साउथ की एक्टर हैं, इनके साथ शाहरुख खान काम करने वाले हैं। भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो ये मूवी एक रोमांटिक एडवेंचर एक्शन से भरपूर देशभक्ति मूवी होने वाली है। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह की बातें बताई जा रही हैं कि भाई अब तक शाहरुख खान की तरफ से कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि भाई मैं फिर से राजकुमार हिरानी के साथ आने वाला हूँ, या फिर राजकुमार हिरानी के दोस्तों कोई भी ऑफिशियल ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि भाई कि हम यहाँ पर जो कि शाहरुख खान के साथ फिर से दोस्तों हमारी मूवी आने वाली है। दोस्तों इस तरह की बातें बताई जा रही है कि दोस्तों कि भाई 15 अगस्त को इस मूवी का फुल्ली अनाउंसमेंट होगा। दोस्तों एक तरह की इसकी डेट दी जाएगी, भाई अब इस तारीख को, इस महीने, इस साल इस मूवी को रिलीज़ करने वाले हैं। भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों आप सबको तो पता है कि राजकुमार हिरानी की फिल्में बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती हैं, उसके अंदर VFX की कमी दोस्तों भाई साहब बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि भाई उसके अंदर VFX लाख वो मूवी होती ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ये डायरेक्टर साहब भी ऐसे होने चाहिए कि भाई बिना VFX के, बिना एडिटिंग के दोस्तों मूवी बनाना और दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर उस मूवी पर तहलका मचाना। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी कुछ दिनों बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान के साथ क्या सच में मूवी आने वाली है। अभी तक इसका कोई ऐसा फुल्ली कंफर्म अनाउंसमेंट नहीं हुआ, भी सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें बताई जा रही है भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। जब राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट हो जाएगा तो समझ लेना भाई ये अब 100% पक्की बात है कि भाई राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान के साथ मूवी आने वाली है भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी अब कितना एक्साइटमेंट है डंकी के बाद दोबारा से राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान कोलैब करने वाले हैं, कितना बड़ा बॉक्स ऑफिस पर धमाका होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, नया चैनल ना सपोर्ट करें दोस्तों।